लो जी बाबा जी, 3-2-1 होने लगा है। 3-2-1 ओए होए होए, धुआं नजर आ रहे हैं भाजी। ये सब कुछ खोल के मैंने आपके सामने रख दिया है, देखिए ये 5 ब्रेड्स हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डिप्स है, कैचअप है, ये सैलड टाइप है, ठीक है, चीज एक, और ये चिकन पीस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरे से होंगे। तो यार आप लोगों को सबको पता है कि मैं यार अल्हम्दुलिल्लाह बेरीना है वो, और आपके साथ एक चीज़ शेयर करते हैं। आप मेरा दिल का आ रहा था कि मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि यार यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो मतलब क्या रेट है, कितना फ़र्क है ये वो ना। मैंने खाई तो है काफ़ी, लेकिन मैंने कहा आज आपसे कुछ थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं जी अपनी रिहाइश से निकल रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ की सारी मार्केट भी, और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ सस्ती भी हैं खाने की, तो देखते हैं क्या बनता है और क्या हमें मिलता है खाने के लिए। तो ये जी देखें, यहाँ की गलियाँ साफ़ सुथरी, ना कोई नाली नुलिया ना कुछ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। जब यहाँ से हम बाहर आते हैं तो यार यहाँ पे ना, यार ये होटल है 2-3, ठीक है, ये तंदूर है यहाँ पे। तो ये सामने डायमंड बेकरी है, ठीक है, और इस तरफ पूरी आपको ज़िंदगी ज़रूरियात की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर बार्बर की शॉप है एक, और मैं इस टाइम हूँ बहरीन के सिटी मुहर्रक में, और ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तानी है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, और बंगाली तो यहाँ बहुत ज़्यादा है ना, मतलब सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, फिर बंगाली, और बंगाली का एक और एरिया वहाँ बंगाली लोग बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इस तरह कैफेटेरिया बने हुए हैं, देखें आप, है मिलन कैफेटेरिया इस तरह करके ना, तो ये लोग बाहर चाय चाय पी रहे हैं। ये यहाँ फ्रूट सब्ज़ी की दुकानें हैं, तो मैंने कहा आज आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। तो कह लेंगे मेरी रिहाइश से कोई 200 मीटर दूर है, अस्सलाम वालेकुम, 200 मीटर दूर है एक ना कैफेटेरिया, मुझे उनका फूड ना काफ़ी अच्छा लगा है और मज़े का भी है। तो मैंने कहा वो सब ये देखें आप, ये भी एक कह लें कि रेस्टोरेंट है, मताम इस तरह करके, ठीक है। और साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ की मार्केट, ये जो है ये जिस तरह वो नहीं मनी एक्सचेंज होता, ये चीज़ें सारी वो है, ये फोटो कापी वगैरह पिक्चर वगैरह, ये साथ कोई ये है, ये देख सकते हैं आप लेडीज़ सूट्स की दुकान, ये भी है। तो ये जी हम थोड़ा चल के आए हैं, तो यहाँ पे यहाँ पहुँच गया हूँ, ये है रियो कैफेटेरिया। यार इनके पास ना खाने की बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं भी जाता हूँ और आपको मेन्यू भी शेयर कर दूँ कि इनके पास और है क्या क्या, और मैं क्या खाऊँगा वो भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये है जी मैं पहुँच गया हूँ, और ये इनका मेन्यू है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इनका मेन्यू है। आप बांग्लादेश से हैं, है इंडिया कैरेला के भाई हैं, ये इंडिया कैरेला के भाई हैं जनाब। ये इनका मेन्यू है, ठीक है, आगे भी पेजेस हैं इसके, लेकिन ये देखें आप, बारबेक्यू शॉर्मा शॉर्मा हर चीज़ इनके पास है, फ्राइड चिकन इनके। मैं अगर रेट बताऊँ ना आपको, अभी देखें ये जो मील है ना, ये डिनर बॉक्स 3 पीसेस, ठीक है, ये 1.4 दिनार की, यानी कि 1 दिनार 400 रुपये, 400 यानी कि 4 रुपये, 1 दिनार 400 फील्स की ये डील है, ठीक है। ये देखें ये सारा इनका मेन्यू है, पास करके आराम से देख भी सकते हैं यार, काफ़ी जो चीज़ें हैं इनके पास है ना, ड्रिंक्स भी काफ़ी हैं इनके पास। तो ये है, मैंने इनसे एक मील करवाई है, देखते हैं कैसी बनती है, देखते हैं अभी यहाँ बैठ के खाऊं या मैं घर लेके जाऊं, तो वो मैं देखता हूँ। भैया क्या हाल है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक इंडिया के हैं, केरला के, उनका ये रेस्टोरेंट है, देख सकते हैं आप सारे इंडिया ना यहाँ पर, और अपनी पाकिस्तानी पिकांटो भी खड़ी हुई है इधर, पता नहीं मेरी आपको आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। तो इनका सिटिंग एरिया देख लेते हैं अंदर कैसा है, अभी कि नहीं है, कह तो रहे हैं कि है, नो मास्क नो एंट्री, लेकिन ये पहले का लगा हुआ शायद। सिटिंग इनके पास कम है, ठीक है, इनका माशाल्लाह किचन ही बहुत बड़ा है, ये किचन है सारा इनका आगे पीछे ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर ही जो है ना वहाँ जाकर आराम से बैठ के खाएंगे। क्या हाल चाल है, इंडिया से हैं आप भी, इंडिया इंडिया केरला का। तो यहाँ पे सारे जो आपके वर्कर्स भी उधर के हैं, सारे इंडिया के, सारे इंडिया के, केरला केरला इंडिया में ही है ना, हाँ हाँ, अच्छा। और ये शॉर्मा, शॉर्मा कितने का आपका, 4 रुपये का शॉर्मा बनता है। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं और इंडियन पैसों में कितने बनते हैं, यहाँ के 4 रुपये, यानी कि 1 दिनार भी नहीं, 1 दिनार में होते हैं 10 रुपये, ठीक है, 1000 फील्स, और 1 रुपये में होते हैं 100 फील्स। बाकी ये साथ साथ यार अभी इधर ही है, डिटेल आपको साथ साथ बताते रहेंगे। खैर हमारा ऑर्डर अभी आता है, वो लेते हैं, आपको जाके दिखाते हैं कि यार इतने रुपए में ये कुछ मुझे मिला खाने के लिए, और पाकिस्तान में क्या क्या मिलता है, सब कुछ आपको साथ साथ हम दिखाएंगे भी जाके। बाबा जी ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये यार ये मतलब कि सुबह 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 8 बजे ओपन हो जाता है, और रात को
चार बजे सुबह बंद होता है, सुबह 8 से लेकर सुबह 4 तक सिर्फ 3-4 घंटे बंद होता है। वो भी वो कह रहे हैं पता नहीं क्या वजह या कुछ रीज़न है क्या है, लेकिन यहाँ पे देखें आप तकरीबन वो कह रहे हैं 24 आवर्स खुला ही रहता है ये। और यहाँ पे अब देखते हैं यार क्या मिलता है, मतलब मैंने लिया है सो घर जाए खोलते हैं, खाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि ये इसके अंदर है, और आपको भी सब कुछ बताते हैं। बिल्लियाँ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनाब ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, जूस शूज पैक शैक डिप शिप्स होके देखें आप कितने तरीके से। तो ये जनाब ऑर्डर शार्डर लेके अपना सफ़र रवादों आए घर की तरफ, घर जाते हैं, इसको खोलते हैं, दिखाते हैं आपको कि यार इसके अंदर क्या क्या है, और टेस्ट भी बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ख़वातीनो हज़रात ये रहा हमारा पार्सल, सबसे पहले आ गया बाबा जी जूस, जूस के बाद आ गया ये डिप है मेरे ख्याल से एक डिप, और ये भी खोल के देखते हैं इसमें क्या है, और ये भी डिप्स हैं देखे 1, 2, 3, 4 और ये देखे 5 तो सिर्फ डिप्स आ गए इसके अंदर, ठीक है 5 डिप्स उन्होंने दी हैं मायनीज वगैरह की। और ये आ गए हमारे जी जनाब जी 2 कैचअप आ गए, ठीक है, और ये आ गई इस डिप पे को और है यार, ये देखो डिप्स ही डिप्स हो गई बाबा जी, कोई चावल नहीं मारी ये देखो। इसके बाद आगे हमारी यहाँ पे कहते हैं खुबसना रोटी टाइप, जिसने हमारे वहाँ शॉप में ब्रेड होती हैं, तो ये तकरीबन 4 से 5 हैं, हाँ 5 पीस ब्रेड के हैं ये, 5 पीस खूब, ये देखें आप गर्मा गर्म फुल गर्म। लो जी बाबा जी 3-2-1 होने लगा है, 3-2-1 ओए होए होए, धुआं नजर आ रहे हैं, ये आपको थोड़ा ब्लैक लग रहा है लेकिन ये है नहीं ब्लैक, ठीक है। और ये अब मैं बता दूँ उसमें क्या, इसमें फ्राइज हैं, ठीक है फ्राइज का क्वान्टिटी देख लें, फ्राइज हैं और एक पीस, ठीक है ये रे, ये दूसरा पीस चिकन कट, और ये तीसरा पीस के बड़े बड़े पीस चिकन के, 3 पीस चिकन फ्राइज आप देख सकते हैं ये, और ये केचप, 5-6 डिप्स, और ये जो है ना ये खोल दो के ज़रा, ये वो सैलड टाइप है आप, वो नहीं जिस तरह मायनीस और वो जो है उसमें ये सैलड टाइप है, ठीक है छोटा सा ये, हाँ जी ये सब कुछ खोल के मैंने आपके सामने रख दिया है, देखिए ये 5 ब्रेड्स हैं, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डिप्स हैं, केचप है, ये सैलड टाइप है ठीक है चीज़ एक, और ये चिकन पीस ठीक है। ये सब कुछ खोल के देख सकते हैं आपके सामने आ गए, मैंने कहा अब मुझे भूख लगी थी प्लेट शर्ट मैंने नहीं पकड़ी, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें ना ये मुझे कितने मिली हैं, ठीक है ये मुझे मिली अगर हम बहरीनी दिनार में बात करें तो ये बनते हैं 1.4 बहरीनी दिनार, ठीक है तो पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो वो बन जाते हैं तकरीबन 1,050 रुपये, 1,050 रुपये अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में करूँ तो, इंडिया में करूँ तो इंडिया के ये आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से ये हैं। और मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो अपने सियालकोट की, ठीक है ब्रांड्स ये भी, ये ना यहाँ का कोई कह ले कि कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है लोकल है एक, लेकिन लोकल का देख लिया कितनी फ्रेश चिप्स है, ठीक है गर्मा गर्म, और कैसे इन्होंने पैकिंग शेकिंग करके जो है वो दी हुई आपको, ठीक है। मैंने सियालकोट में एक जगह से 3 पीस चिकन लिए थे, ठीक है सिर्फ चिकन के 3 पीस, ना उसमें सॉसेज थी, ना उसमें फ्राइज थी, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्रेड थी, ना और ना जूस ना कुछ, ये जूस भी साथ है, हाँ ये भाई जूस भी साथ है, तो वो मुझे पड़े थे ऑलमोस्ट टैक्स वगैरह ऐड करके ना कोई 7-750 रुपये में सिर्फ 3 पीस, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें बीच में ऐड करें क्वालिटी भी ये में, तो वो बन जाता है तकरीबन 1200-1300 रुपये बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये 1,050 रुपये में आप देख सकते हैं 3 पीस चिकन भी है, फ्राइज भी हैं, और डिप्स 6 दिए उन्होंने, ब्रेड वगैरह भी है ताकि कम शाम ना पड़े। तो भाई ये है बार, मतलब कि कस्टमर को अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करते हैं। मैंने उनसे कहा कि एक ना डिप एक्स्ट्रा देना, उन्होंने मुझे 3-4 एक्स्ट्रा दे दी, और तो ये आप देख सकते हैं भाई ये है बाहर का जो है फर्क और पाकिस्तान का। मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है तो एक हाथ से ही प्रणन की फ्राइज टेस्ट करते हैं, ये देखो यार ये देखो ठीक है। और डिप की तरह ये गार्लिक मायो ऑलवेज फेवरेट, गर्मा गर्म, और पता चल रहा है कि अच्छे फ्रेश ऑयल में बनी हुई है। चिकन पीस तोड़ते हैं देखते हैं अंदर से कैसा है, तो मेरा बहात यार ये देखो ना ब्लैक हुआ है, कितना धुआं नजर आ रहे हैं आपको, ये देखो भाई बहुत आला, ठीक है यहाँ पे महंगा फूड भी है, ठीक है। लेकिन मैं एक लोकल भी गया था
मैं कहा वहाँ का ट्राई करते हैं, मुझे इनका टेस्ट काफी पसंद है, बहुत पसंद है भाई वहाँ के लिहाज से, क्योंकि ये लोकल है। ब्रांड से भी आपको बताएंगे, यहाँ पे इंजेक्टेड ब्रोस बड़े जबरदस्त मिलते हैं, वो भी इंशाल्लाह मेरी एक वीडियो पोस्टेड है उधर टिकटॉक पे, एक डेढ़ मिनट की है, चिकट यहाँ पे बहुत फेमस है उसकी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और भी इसके बारे में सारा। तो यार मैं अभी ये सब कुछ खाता हूँ ठीक है, और इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूँ। मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ यार कि क्या इधर थोड़ा सा आपको पता खाने पीने का, अगर आप बाहर से खाएं तो, घर खाने का दिल्ली का आ रहा था। तो यार इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप पास बेहरीन की फौरन पहुंचे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।